अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है कन्वर्ट यूटीएम कोऑर्डिनेट टू लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सिविल 3D। यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक यूटीएम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है। इसको हमने लोकल जो है वो कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मेरे पास ये एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था व्हाट्सएप में कि ये जो ड्राइंग है ये यूटीएम कोऑर्डिनेट पे है और यहाँ पे ये जो K4 और K5 कंट्रोल पॉइंट है इनको लोकल ईस्टिंग नॉर्थिंग में कन्वर्ट करना है। ईस्टिंग 100 होगा और नॉर्थिंग 200 होगा। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं और इनसे हम फिर वापस कैसे जो है वो अपने यूटीएम कोऑर्डिनेट पे आ सकते हैं, या हम अपनी ड्राइंग को जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लोकल्स पे और हम इस पे वर्किंग कर रहे होंगे, और उसके बाद अगर हमें ये गूगल अर्थ पे पब्लिश करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं वापस हम इसको यूटीएम पे ले जाके। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे ये जो है मेरे पास सिविल 3D ओपन हो गया है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है वो हमने अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो असाइन करना है। ठीक है, इससे पहले जो है सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मैप CS लाइब्रेरी की कमांड देता हूँ और यहाँ पे ये जो है मेरे पास जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो मेरे पास जो ड्राइंग है वो UTM की है, तो यहाँ पे WGS 84 की है। ओके, और इसको मैंने लोकल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसी डेटम को जो है वो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 40 North है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट बनाता हूँ। ये डुप्लीकेट बन गया है, अभी मैं इसको एडिट करता हूँ। ये एडिट मोड में आ गया। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ लोकल कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे भी मैं इसको लोकल का नाम दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये जो सेटिंग है ये एज इट इज रहेगी। यहाँ पे प्रोजेक्शन टैब में आपने आना है और यहाँ से आपने ये जो ट्रांसवर्स मर्केटर है ओके आपने इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ये जो है आपने जो आपने लोकल पॉइंट है उसका आपने यहाँ पे जो है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूड की वैल्यू देनी है, तो लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है वो हमारी 7917 4217 है। ओके, ये हम ड्राइंग में वेरीफाई भी करेंगे। ये जस्ट मैं इसको काम को स्पीड अप करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा लॉन्गिट्यूड वैल्यू है उस पॉइंट की जो हमने ड्राइंग में जहाँ से हमने कन्वर्जन स्टार्ट करनी है, और ये उसका लैटिट्यूड है, और इसकी ईस्टिंग जो है वो हमने 100 रिक्वायर्ड है और नॉर्थिंग जो है वो 200 रिक्वायर्ड है। मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा जो यहाँ पे सेव हो गया है। यहाँ पे प्रोजेक्शन वगैरह का जो है सारी ऑप्शन आ गई है। मैं जहाँ पे इस पर क्लोज करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे लोकल के नाम से एक क्रिएट हो गया है। तो अभी हम अपनी ड्राइंग जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये ड्राइंग है हमारी, ये ड्राइंग है जिसकी मैंने कॉपी बनाई है जो मुझे व्हाट्सएप में रिसीव हुई है। और ये वो पॉइंट है 4 और 5 के नाम से, K5 और K4 के नाम से, ये कैड पॉइंट है दो। ठीक है, जिनको हमने अपना लोकल में कन्वर्ट करना है जो वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे मैं DDP टाइप की कमांड देता हूँ। ओके, और ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो अगर हम इसकी अभी ईस्टिंग नॉर्थिंग चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग ये वैल्यू नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक्स वैल्यू है, ये वाई है, और ये इसकी जेड वैल्यू है। ओके, तो हम इसको एक्स वाई में ही कन्वर्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे ये जो है अभी हमने इस वैल्यू को जो है नॉर्थिंग और ईस्टिंग जो है इसका हमने असाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे। ये पॉइंट हम इसको यहाँ पे पॉइंट क्रिएशन टूल में जाके यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इनको मैं ऑटोमेटिक करता हूँ पहले। ओके, यहाँ पे ये मैंने वैल्यू ऑटोमेटिक कर दी है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट मैनुअली क्रिएट कर लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया, राइट क्लिक किया और ये मैंने अभी बंद कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट गुड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग का जो लेबल है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं ईस्टिंग नॉर्थिंग ओके लॉन्ग लैट का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लेआउट में आ जाता हूँ
यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले नॉर्दिंग है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं मुझे इसके ईस्टिंग नॉर्दिंग हो गया, अभी यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड, यहाँ से मैं इसका डेसिमल प्लेसेस ओके डेसिमल पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम पे कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया है और ये हमारा लॉन्गिट्यूड है ओके। अभी यहाँ पे मैंने लैटिट्यूड क्रिएट करना है ओके, और अभी मैं यहाँ से लैटिट्यूड ले लूँगा। यहाँ से मैं इसका जो प्रसीजन है वो इसको मैं मैक्सिमम पे कर देता हूँ ओके। इसको मैंने सिलेक्ट किया फॉर्मेट और यहाँ पे मैंने इसको रेड में कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कुछ फॉन्ट दे दिया ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अभी तक लैट और लॉन्ग की यहाँ पे वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमारी ड्राइंग में जो है वो डेटम असाइन नहीं है ओके। यहाँ पे मैं ड्राइंग सेटिंग में जाता हूँ, ड्राइंग सेटिंग, और यहाँ पे हमने UTM का जो है WGS84 का ओके, यहाँ पे हमने इसको 40 नॉर्थ जो है वो असाइन करना है। ये हमारा 40 नॉर्थ है, ये हमारा 40 नॉर्थ है ओके। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया है तो यहाँ पे जो हमने लॉन्गिट्यूड की वैल्यू वहाँ पे पुट की थी वो यहाँ पे आपके सामने आ गई है। 8 डिजिट में हमने इसको पुट किया था वो यहाँ पे आ गया है, और 5692 ये भी हमने 23 पॉइंट जो भी था ये वैल्यू आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे डेटम क्रिएट करने के लिए जो है एक सिस्टम क्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमने वहाँ पे दी थी, ये दो वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो अभी हमने इसी पॉइंट को यहाँ पे ये जो ईस्टिंग है इसको हमने 100 करना है और नॉर्दिंग को हमने 200 करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारी जियो लोकेशन वर्क करती है कि नहीं करती। तो ये हमारा मैप है, मैं जस्ट इसको यस करता हूँ, यहाँ पे मैप असाइन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप हमारा साइन हो गया यहाँ पे ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग जो है ये अपनी एक्चुअल लोकेशन पे जहाँ पे ये थी ये यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे ये इसका लैट और लॉन्ग जो है वो शोर है। अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है लोकल में ओके। तो मैं इसका मैप जो है इसको मैं यहाँ पे, अगर आप इसको ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ पे ये जो है कैप्चर एरिया भी कर सकते हैं या कैप्चर व्यू पोर्ट कर सकते हैं ओके। मैं यहाँ पे इसको अभी मैप को ऑफ कर देता हूँ। तो मैप हमारा ऑफ हो गया है जबकि कैप्चर एरिया से हमने अपना ये इमेज जो है वो उसको हमने कैप्चर कर लिया था ओके। अभी हमने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है ओके। अभी मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। प्रोस्पेक्टर टैब, टूल बॉक्स में यहाँ पे मसलिनियस में जाना है आपने। यहाँ पे ये जो एक है टूल है ड्राइंग ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सिस्टम जो हमने अभी असाइन किया था WGS84 वो फर्स्ट में आ गया है। सेकंड वाले में हमने वो देना है जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया, तो वो ये हमने लोकल क्रिएट किया था। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे मुझे मैसेज जा रहा है ट्रांसफॉर्म द मॉडल ओके। मैं जस्ट इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी रिपोर्ट आ गई है कि कौन सी चीज कैसे इसने कन्वर्ट की है ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा नॉर्दिंग 200 हो गया और ये ईस्टिंग जो है हमारा 100 हो गया। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कन्वर्ट हुआ है कि नहीं वो ओके। मैं यहाँ पे आ रही करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पॉइंट हमने ईस्टिंग और नॉर्दिंग का क्रिएट किया था यहाँ पे ईस्टिंग 100 हो गई है और ये 200 हो गई है, ठीक हो गया। अभी अगर आप इन कोऑर्डिनेट को वापस भी लेना चाहें ठीक है, और गूगल अर्थ पे पब्लिश करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम ही प्रोसीजर है, पहले हमने UTM से अपने लोकल में कन्वर्ट किया है और अभी हम इसको जो है लोकल से UTM में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ ओके। अभी हमारा यहाँ पे ये जो है ये लोकल है और ऊपर UTM है, तो मैं यहाँ पे इसको जो साइन करता हूँ वो मैं लोकल कर देता हूँ।
यहाँ पे अगर आप ये देखें, मैप ऑन करके देखें, तो ये मैप यहाँ पे ऑन नहीं होगा क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया है। तो इसलिए हमने इसको वापस जो है अभी यूटीएम में लेके जाना है। तो यूटीएम में ले जाने के लिए सबसे पहले आप इधर ड्राइंग में आ जाएं, फाइल, और यहाँ पे यूटिलिटी में सेटिंग में आप चेक कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये यह हमारा अभी लोकल असाइन है इसको। ओके, तो अभी हमने लोकल से वापस यूटीएम में जाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, और यहाँ पे ये जो है ये जो लोकल है इसको आपने अभी यूटीएम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये यूटीएम जोन 40 नॉर्थ, ये वाला जो है ये अभी हमने साइन किया। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, ट्रांसफार्म मॉडल। ओके, ये रिपोर्ट दोबारा आ गई है और हमारे कोऑर्डिनेट जो है वापस जो है उन्हीं कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गए जो हमारे पहले थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, सेम वो कोऑर्डिनेट आ गए हैं यहाँ पे। अभी अगर ये मैं इमेज डिलीट भी कर दूं, ओके, यहाँ पे अगर मैं मैप एरियल ऑन करूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप हमारा फिर ऑन हो गया है, हमारे कोऑर्डिनेट फिर यूटीएम पे चले गए हैं। और अभी अगर हम इस ड्राइंग को गूगल अर्थ पे लेके जाना चाहें, तो यहाँ पे ये गूगल अर्थ है, ओके, यहाँ पे ये गूगल अर्थ है, ओके, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें अपनी ये ड्राइंग चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस एरिया की हमारी ड्राइंग है, अभी हमने यहाँ पे लेके आनी है। ओके, तो ये सिविल 3D से आपने यहाँ से टूल बॉक्स में आना है, और यहाँ पे ये जो है आपके पास ऑप्शन है KML, KML पे आपने एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे मैंने इसको ये test 1 का नाम दिया, नेक्स्ट, ओके, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ड्राइंग से जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी है मेरे पास। ओके, ये सिलेक्ट हो गए, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे ये जो है KMZ के नाम से ये अशफाक का फोल्डर है, यहाँ पे ये टेस्ट, ओके, सेव, यस, एक्सपोर्ट। ओके, ठीक हो गया, मैं इसको व्यू करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये ड्राइंग हमारी यहाँ पे ये आ गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राइंग जो है ये हमारी यहाँ पे आ गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।